السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. सबसे पहले तो मैं आज एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारे बाहर कुछ फेस्टिवल की कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बहुत ड्रम्स वगैरह बज रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक वो साउंड्स नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन मुझ तक तो जरूर पहुँच रहे हैं. जस्ट कंफर्म करें कि क्या आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा है अलोंग विद माय मी, यानी मेरी आवाज के साथ साथ डिस्टर्बेंस भी सुनाई दे रहा है. ओके हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुनाई दे रहा है, गुड माशाल्लाह. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम कुरान के 10वें पारे तक पहुंच चुके हैं. हाँ, 10वें पारे तक पहुंच चुके हैं. हमारा आज का टारगेट है सिर्फ 10वां पारा खत्म करना टारगेट है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी अहम बातें आने वाली है इस पारे में और बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बातें जो हम स्किप नहीं करना चाहिए. देखिए, हमारी ये जो कुरान स्टडी क्लास में हम सिलेक्ट आयतों को स्टडी कर रहे हैं और रफली अगर आप देखें, क्योंकि हर पारे में मैं 50 से 60 आयतें ले रहा हूं, तो कम से कम 30 पारे में 1500 से 1800 आयतें कवर होंगी इंशाल्लाह. तो आप देखिए कुरान की अराउंड 6600 आयतों में से अगर हमारी 1500 से ज्यादा कवर हो रही है, यानी हम तकरीबन इंशाल्लाह 22% 23% ऑफ द कुरान कवर करने वाले हैं कुछ हद तक. और अगर आप ये सब आयतों का रिविजन करें इंशाल्लाह, तो आप ये आयतें किसी को बता सकते हैं, कोई टॉपिक पे खुद समझ सकते हैं इंशाल्लाह. और ये एटलीस्ट इतना तो कवर हो रहा है. बाज़ लोग ऑब्जेक्शन तरह उठा रहे हैं, बोले आप ऐसे सिलेक्ट आयतें क्यों ले रहे हो, लेकिन पूरा कुरान होता तो वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात थी और होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन हम कम से कम इतनी आयतें तो स्टडी कर लें हमारी कुरान स्टडी क्लास में. तो इसके अंदर ऐसा नहीं है फुल कुरान की स्टडी है, ये सिलेक्ट आयतों की स्टडी है. इतना हम कवर कर रहे हैं, ये भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है. मतलब टू स्टार्ट विद यानी है अच्छा, और यकीनन अल्लाह मदद करे और तौफीक दे तो कभी फुल कुरान का भी प्लान करेंगे इंशाल्लाह. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. सूरह अनफाल की आयत नंबर 40 पे कल हम रुके थे और हम आयत नंबर 41 पे पहुंच गए. तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, वअलमु अन्नमा गनिमतु मिन शयइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु. जान लो कि जो अल्लाह ताला गनीमत के तौर पे जो तुम्हें मिलता है तो अल्लाह के लिए है 1/5. खुमुस यानी कि 1/5, फिफ्थ हिस्सा यानी 20%. वली रसूल, अल्लाह उसके रसूल के लिए. वली ज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए. वल यतामा, वल मसाकीन, मिस्कीनों के लिए. वबन सबील, मुसाफिरों के लिए. इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाही, अगर तुम अल्लाह पे ईमान लाते हो. वमा अनज़लना अला अब्दीना, और जो तुमने ईमान लाया, जो अल्लाह ने फरमाया कि जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया. यौमल फुरकानी, यौमल तकल जमानी, यौमल फुरकान. यौमल फुरकान कौन सा था? बद्र का जंग का दिन था. और उस दिन जिस दिन दोनों गिरोह की मुलाकात हुई जंग के मैदान में. वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है. तो यहाँ पे खुमुस का जिक्र है और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रोवाइड किया ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरतें भी पूरी हो सके और ये खुमुस के जरिए उनकी जरूरतें पूरी होगी और फिर वो उसमें से वो चैरिटी दे सकते थे, गिफ्ट दे सकते थे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारी वो गुंजाइशें आई, जैसे बहुत से लोगों के को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीये दिए, गिफ्ट्स दिए. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की जरूरतें भी पूरी करना हुआ और जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी समझा कि गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, तो 20% नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. यानी माले गनीमत 80% सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 20% इस मकसद के लिए जो हेड ऑफ द स्टेट वगैरह वो तय करेंगे कि किन्हें देना है. आयत नंबर 42 में आते हैं. अल्लाह ताला ने फरमाया, इज अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया. अब ये देखिए बद्र की जंग के अंदर क्या हुआ था. जब तुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उद्वतिद दुनिया यानी जंग के मैदान में, बद्र के मैदान में वो लोग थे उद्वतिद दुनिया यानी कि करीबी साइड पर थे. वहम बिल उद्वतिल खुसवा, और वो थे उसके आगे की किस साइड पर. व रकबु असफल मिनकुम, और जो सवार थे, सवारी थे, वो तुमसे नीचे की साइड पर थे. अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ तवाअतुम लख्तलफतुम फिल मीआद, अगर ये चीज का वादा होता तो ये वादा पूरा नहीं होता. वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ूला, लेकिन ताकि अल्लाह ताला वो चीज को जाहिर कर दे जो मामला फैसला ऑलरेडी हो चुका था. लियहलिका मन हलका अन बय्यिनतिन,
ताकि जो हलाक हो वो एक वाज़े दलील निशानी देखकर हलाक हो, वह यहया मन हया अम बय्यिनतिन, और जो जिंदा रहे तो जिंदा रहे वाज़े दलील देखकर जिंदा रहे, वह इन्नल्लाह अल्लाह समीउन अलीम, और यकीनन सुनने वाला अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो हम देखते हैं कि जाहिरी भी चीजें थी फैक्टर्स, अल्लाह की मदद आती है ना, तो कुछ जाहिरी फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बारिश का आना, जैसे मिसाल के तौर पर उनको नींद अच्छी मिलना एक रात पहले, जैसे इनकी पोजीशन, मुसलमानों की पोजीशन, अगर प्लानिंग करके पहुंचते तो भी ऐसा पहुंचना, ऐसी जगह मिलना ये बहुत मुश्किल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने वो पहले से मुकर्रर किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी एक एडवांटेजियस प्लेस मिले। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का जिक्र है आयत नंबर 43 के, ख्वाब में उन्हें कम दिखाया अल्लाह ताला ने, हां वइज युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिक क़लील, अल्लाह ताला ने आपको उन्हें आपको दिखाया कि वो कम है, मतलब दिखाया कि वो कम है, वलौ अराकहुम कसीर, अगर आपको वो अल्लाह ताला वो लोग आपको कम ज्यादा दिखाते, कसीर दिखाते, लफशिल तुम, तो तुम उसमें तुम्हारी हिम्मत कमजोर हो गई होती, वला तनाजा तुम फिल अमरी, और उसमें तुम किसी मामले में तनाजे में पड़ गए होते, लोग इख्तलाफ में पड़ जाते, वला कि अल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें उस चीज से बचाया, इन्नहु अलीमु बिदाति सुदूर, और अल्लाह जानने वाला है जो तुम्हारे सीनों में है। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह का प्लान है। अब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें बताया कि वो कम हैं, लेकिन उनका अगर रियल नंबर के भाई वो 1000 थे जो आ रहे थे, यहाँ पे 313 थे, तो अल्लाह ताला जानता है वो 1000 भले ही थे, लेकिन अल्लाह ने मामला पहले से फैसला कर रखा था। आयत नंबर 45 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़थबुतू, जब तुम किसी फौज का सामना करो तो फिर साबित कदम रहो, वस्कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को कसरत से याद करो, जिक्र करो, उस वहां पे जंग के मैदान में जो इंसाफ के लिए है, जो सच्चाई के लिए है, तो उसके अंदर तुम वस्कुरुल्लाह कसीरन, उस हालत में, उस सिचुएशन में भी अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, लाल लकुम तुफ्लिहुन, ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाब हो जाओ। अब ये आयत पढ़िए मेरे भाई मेरी बहनें, जो अगली आयत है, और देखिए आज के मुसलमानों के हाल को, और हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया वअतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, रसूल की फरमाबरदारी करो, वला तनाजाउ, आपस में तनाजे में इख्तलाफ में मत पड़ो, तुम मत पड़ो, तुम्हारा एक अल्लाह है, तुम्हारा एक रसूल है, तुम्हारा एक किबला है, तुम एक उम्मत हो, वला तनाजाउ, तुम आपस में तनाजे में मत पड़ो, आपस में डिस्प्यूट्स में झगड़ों में मत पड़ो, फतफशलू, नहीं तो कमजोर पड़ जाओगे, वतज़हबारी हुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, हवा उखड़ जाएगी यानी तुम्हारा दबदबा बाकी नहीं रहेगा, जो तुम्हारा दबदबा है ना लोगों में वो बाकी नहीं रहेगा, वसबिरु, सब्र करो, इन्नल्लाह मा सबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तुम सब्र करो। तो मेरे भाई मेरी बहने, यहाँ पर ये हम सब के लिए एक बहुत अहम बात है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करके आपस के इख्तलाफात को हल करना, और यही करना चाहिए, नहीं तो कमजोर पड़ जाओगे, हवा उखड़ जाएगी तुम्हारी, और यही मुसलमानों को करना चाहिए कि जो कुरान हदीस की बात आती है, चलो हम सब लेकर आपस के इख्तलाफात को खत्म करते हैं, नहीं तो दुनिया में भी सजा होगी, दुनिया में जैसे कि हम देखते हैं सजाएं आती है और आखिरत की सजा अलग है। अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ैयना लहुम अश्शैतानु आमालहुम, जब शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को खूबसूरत बनाया, वकाल ला ग़ालिब लकुमुल यौम, और कहा कि तुम पे तो कोई आज ग़ालिब नहीं आएगा, शैतान ने कहा कि नहीं, मुशरिकीन मक्का को, जो मुशरिकीन मक्का आ रहे थे उन्हें शैतान ने कहा तुम पे तो कोई ग़ालिब नहीं आ सकता, व इन्नी जारुल लकुम, और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। ये क्या है, ये व इन्नी जारुल लकुम, अगर आप तफसीर देखते हैं तो सुराका बिन मालिक, जो बाद में इस्लाम उन्होंने कबूल किया, उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये शैतान सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया। क्या हुआ, बद्र की जंग के लिए जब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, वो लोग कौन मुशरिकीन तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें एक खतरा था कि ऐसा ना हो जाए कि बाज़ कबीले जो हमारे कुछ इत्तफाक नहीं रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब यहाँ से निकल जाए, वो पीछे से आके मक्का पे हमला कर दें। तो उस वक्त पर जब वो शक में थे कि भाई हम जाए ना जाए, हम जाए ना जाए, तो शैतान इबलीस तो बहुत चाहता था कि ये जो इंसान जो है, जो शयातीन, इंसानों वाले शयातीन जो थे, ये जाकर मुसलमानों पे हमला करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का खात्मा कर दे, गालिब आ जाए, तो शैतान बहुत चाहता था। और ये चीज एक अड़चन बन रही थी कि वो लोग ये चीज में शक में थे कि हम लोग जाएंगे और पीछे से बनू बद्र वाले आके अटैक, बनू बकर वाले अटैक कर देंगे। तो उस वक्त पर हम देखते हैं कि सुराका बिन मालिक की शक्ल में इबलीस आया और कहा इन्नी जारुल लकुम, हाँ मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, फलम तरा तिलफियतानी नकसालाकिबई ही, लेकिन जब उसने देखा दोनों फौजों को, कौन शैतान ने, वो वहां पे था, इंसान की शक्ल में था, और ये दलायल में से दलील है कि इबलीस और शैतान कभी इंसान की शक्ल लेकर आ सकता है। एक हदीस वो अबू हुरैरा वाली भी है रदिल्लाहु अन्हु वाली, कि शैतान इंसान की शक्ल में आकर के
जकात के माल में से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था, या जकात का माल था, कौन सा माल था जिसमें से चुराने की कोशिश कर रहा था, वो भी एक मिसाल है। लेकिन ये कुरान में मिसाल है जहां पे शैतान ने आकर कहा, लेकिन जब उसने देखा कि जब फौजें मिली है और यहाँ पे फरिश्ते नाजिल हो गए 1000 के करीब फरिश्ते और ये सब मामला दिख रहा है, तो क्या हुआ, नकसाल आकिबई ही, वो अपनी एड़ियों तले पलट करके चला गया। काला इन्नी बरी हूँ मिनकुम, मैं तुमसे बरी हूँ, इन्नी अरा माला तरौना, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देखते, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, वल्लाहु शदीदुल इकाब, यकीन अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा देने वाला है। इससे क्या पता चलता है कि इब्लीस पर, शैतान पर भी कभी कभार इस तरह की हैबत तारी होती है, हाँ हैबत तारी होती है, मखलूक है वो भी, और अल्लाह ताला से कोई कॉम्पिटिशन नहीं उसका, अल्लाह ने उसे मोहलत दे रखी है, हाँ अल्लाह ने उसे मोहलत दे रखी है। तो यहाँ पे हम ये बात देख रहे हैं, ये वाकया हुआ बद्र की जंग के वो मौके पर। आयत नंबर 50 में आता है, वलौ तरा इज़ यतवफ्फा अल्लज़ीना कफरू, काश के तुम देखते कि जब फरिश्ते, हाँ इज़ यतवफ्फा अल्लज़ीना कफरू, जब कुफ्र करने वालों की मौत आती है, अल मलाइकतु यद्रिबूना वुजूहकुम, फरिश्ते उनके चेहरों पे मारते हैं। ये अभी भी होता है, जो इनकार करने वाले लोगों की मौत होती है, कुफ्र करने वालों की जब मौत होती है तो फरिश्ते आकर उनके चेहरों पे मारते हैं, यद्रिबूना वुजूहकुम वअदबारहुम, उनकी पीठ पे मारते हैं, वज़ूकु अज़ाब अल हरीक, उनसे कहते हैं चखो 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 जलने वाली आग की सजा चखो। और ये क्या है, यानी यहीं से उनको नतायज आना शुरू हो जाते हैं कि कयामत के दिन हिसाब और किताब होगा, फिर आएंगे सजा, वैसा नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं, और जो हाल उनका कब्र में होगा, जो हाल उनका कयामत के दिन होगा, उसके बाद हिसाब और किताब के वक्त पे होगा, उसके बाद जहन्नम के आग में जाएंगे, तो हर जगह पर उनके लिए सजा है, और वो सजा बढ़ती जाएगी और सख्त होती जाएगी, लेकिन यहीं से शुरुआत हो जाती है, जैसे कि हमें इस आयत में पता चलता है। बाज लोग जो हदीसों का इनकार करते हैं, तो उनको यह आयत पढ़नी चाहिए कुरान की, कि यहाँ तो दुनिया से ही सजा आनी शुरू हो जाती है। चलिए, कदाबी आली फिरौन, अल्लाह ताला ने बताया कि फिरौन के लोगों की तरह, वल्लदीन मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले वालों की तरह, कफरू बि आयातिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, फ़ख़ज़ाहुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उनकी गिरफ्त कर दी, इन्नल्लाहा क़वीयुन शदीदुल इक़ाब, यकीनन अल्लाह ताला ताकत वाला है और सजा में बहुत सख्त है। हाँ, तो अल्लाह की सजा बहुत सख्त है, याद रखना मेरे भाई मेरी बहनें, अल्लाह की सजा से बच के नहीं जा सकते हैं कहीं पे। तो यहाँ पे फिर से वो कनेक्शन मिल रहा है, जैसे मैंने आप जिक्र किया था कि सूरह आराफ से कनेक्शन दिख रहा है, कि सूरह आराफ में जैसे वो लोगों पे सजा आई, ऐसे यहाँ पे बद्र के अंदर मक्का के मुशिकों पे सजा आई, और ये जो बद्र, सूरह अनफाल का एक नाम सूरह बद्र भी बासहाबा कहा करते थे सूरह बद्र, क्योंकि बद्र की जंग का जिक्र इस सूरह में हमें मिलता है। आयत नंबर 53 में आते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً, ये इसलिए कि अल्लाह ताला जो नेमत दी है, अनअमह, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें जो नेमत दी है वो अल्लाह बदलने वाला नहीं, अला कौमिन, किसी कौम पर, हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, यहां तक कि वो ना बदल लें जो उनके अंदर है, वअन्ना अल्लाहा समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमत अगर है तो अल्लाह की नेमत नहीं जाएगी जब तक हम ना वो रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते पे चले जाए, जैसे बाज लोगों का क्या होता है कि वो सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, तो वो अल्लाह की नेमतों को खो बैठते हैं, तकब्बुर में पड़ जाते हैं, गुरूर में पड़ जाते हैं, दिखावे में पड़ जाते हैं, दुनिया की लज्जतों को एंजॉय करने में पड़ जाते हैं, तो वो अल्लाह की नेमतें भी चली जाती है। आयत नंबर 55 में आते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहि लदीना कफरू फहुम ला युमिनून, यकीनन बदतरीन जो मखलूक अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो कुफ्र करते हैं, और फहुम ला युमिनून, और वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो हम ये देखते हैं लायुमिनून, तो ये चीज़ है, बदतरीन मखलूक अल्लाह के नज़दीक, बदतरीन मखलूक। आयत नंबर 58 में आता है, वामा मन तखा, अल्लाह ताला फरमाया, व इम्मा तखाफन मिन कौमिन खियानतन फंबिद इलैहिम अला सवाइन, अगर तुम्हें डर है कि लोग तुम्हारे साथ जो सुलह है, ट्रीटी है, उसके अंदर खयानत करेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी निशानियां, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे खयानत वाली चीजें आ गई है जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है ये लोग खयानत करने वाले, मतलब मुस्लिम फौज की एक दूसरी फौज के साथ ट्रीटी है, पीस ट्रीटी, सुलह है और मुआयदा है, और वो मुआयदे के अंदर वो लोग अपना मुआयदा जस्ट तोड़ करके तुम पर, तुम्हारी पीठ में छुरी मारेंगे, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया के फंबिद इलैहिम अला सवा, तो उनकी उस ट्रीटी को उनके ऊपर छोड़ दो, मतलब उस ट्रीटी को छोड़ दो, यानी क्या समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल खाइनीन, क्योंकि अल्लाह खयानत करने वालों को नहीं पसंद करता। सुनिए क्या मामला है, देखिए क्या होता है ना, खयानत का मामला होता है ना, तो क्या सोचता है आदमी, वो लोग खयानत करें अभी हम भी खयानत करते हैं। इस्लाम ने कहा नहीं, अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है ना, तो ट्रीटी को ही कैंसिल कर दो, मतलब
सुलह की ट्रीटी है, मुआहदा है, और होते हुए कोई मुआहदे को तोड़े इस्लाम में बहुत बदतरीन चीज है। इस्लाम में खाइनीन, खयानत करने वालों को अल्लाह नहीं पसंद करता। तुम खयानत नहीं कर सकते, वो खयानत करें तो भी तुम खयानत नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे? वो खयानत पे उतर रहे हैं तो तुम क्या करोगे? ट्रीटी कैंसिल कर दोगे, उन्हें कहोगे तुम्हारी हमारी ये ट्रीटी थी, अब ये एक्शन तुम्हारे हुए इस वजह से अब ये ट्रीटी कैंसिल हो गई, हमारी ट्रीटी तुम्हारे साथ अभी कैंसिल हो गई, और उसके बाद में तुम एक्शन ले सकते हो क्योंकि तुमने क्लियर बोल दिया कि हमारी ट्रीटी थी, पीस ट्रीटी अभी नहीं रही, अब ट्रीटी कैंसिल हो गई, इस वजह से तुम्हारे साथ ये ट्रीटी, ये टर्म्स तुमने वायोलेट किए, ये ट्रीटी के टर्म्स से कैंसिल हो गए, अब तुम उसके बाद में कर सकते हो। मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूँ, देखिए कितनी इस्लाम की जो इंसाफ वाली चीज है और ये एक किस तरह से यानी किया जाता है। आप ये देखिए मिसाल, ये हदीस मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये हदीस मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के मुताबिक इमाम अहमद ने इस हदीस को जमा किया है कि मुसलमानों की ट्रीटी थी इनके साथ, रोमन्स के साथ, हाँ रोमन्स के साथ, रोमियों के साथ जो ट्रीटी थी, और वो ट्रीटी मुसलमानों की वैलिड थी और खत्म बस होने वाली थी, खत्म होने वाली थी। मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का ऐसा इरादा था कि जो टाइम पे खत्म हो तो वो सरहदों के पास पहुंच जाए, उनके पास पहुंच जाए, और जैसे ट्रीटी खत्म हो, जैसे ही मुआहदा जिस दिन खत्म होगा तो फौरन उन पर हमला करेंगे, ये एक प्लान हुआ मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का। तो इस बात पर एक बुजुर्ग साहबी ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ईमानदार रहो और ये खयानत से बचो, क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना बैनहू व बैना कौमिन अहदुन, अगर तुम्हारी किसी कौम के साथ अहद है, फला यहुल्लन, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, उक्दतन वला शुद्दहा हत्ता यनकदी अमदुहा औ यमबुदा इलैहिम अला सवा। ये यमबुदा इलैहिम अला सवा, ये शायद की तफसीर हम देखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम्हारे किसी के साथ अगर ट्रीटी है तो तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम कोई भी यानी तुम्हारी फौज को रेडी करो और जाके हमला करने की जस्ट तैयारी करो, या कोई चीज अगर बंधी हुई है कोई चीज बांध दो या कोई चीज को खोल दो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, यहां तक ताकि या तो ट्रीटी खत्म हो जाए या तो तुम वो ट्रीटी को कैंसिल कर दो। मतलब तुमने ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, आप तैयारी करो, लेकिन मुआहदा होते हुए तुम तैयारी कर रहे हो, जंग की तैयारी कर रहे हो, बस जंग के उसमें जस्ट उसकी तैयारी करके यहां तक पहुंच गए, ये भी अलाउड नहीं है। आप सोचिए इंसाफ का मामला कितना सारा है। आयत नंबर 58 को पढ़कर हमें पता चला, आयत नंबर 60 में आता है, आप देखिए वाइदुल्लहुम मस्ततातु मिन कुव्वा, तैयारी करो मस्ततातु मिस्ततात, हाँ जो तुम्हारे लिए मुमकिन हो, मिन कुव्वतिन ताकत की चीजों में से, मतलब जो पावर की चीजें वो तैयारी करो, मिन रिबातिल खैली जो जंग के जो घोड़े होते हैं, तुरहिबूना बिही अदुवल्लाह जिसके जरिए तुम अल्लाह के दुश्मनों के दिल में खौफ, जो उस चीज का खौफ आ जाए, मतलब इंसाफ वाले लोगों का खौफ आ जाए, वह अदुवकुम तुम्हारे दुश्मन अल्लाह के दुश्मन, वह आखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम और दूसरे जिनके बारे में तुम्हें नहीं मालूम है अल्लाह उनको जानता है। हाँ तो हम ये देखते हैं यहाँ पे तैयारी के बारे में मामला है, जैसे ऐसा नहीं कि अल्लाह है तुम्हारे साथ, तुम्हें तो कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस ऐसे ही उतर पड़ो, तुम्हें कामयाबी पे कामयाबी मिलती रहेगी। बद्र की जंग हुई थी और उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत आउटस्टैंडिंग मामला मदद थी, मतलब कम वहां से 2 घोड़े, उन लोग 100 घोड़े लेकर आए थे, यहाँ पे क्या मामला था, कमजोर लोग थे, फिर भी अल्लाह ने उन्हें गलबा दिया, कामयाबी दी। अब जहन में ख्याल आ सकता ना, हम तो सुपरमैन है, हम लोग तो कुछ तैयारी करे बगैर ही हम लोग ऐसे ही जीतते जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं तुम तैयारी करो। और ये देखिए कि ये चीजें हैं जो सिखाई गई है, अगर आप ये पूरी सूरह पढ़े तो आपको कई सारी चीजें मिलेगी। अब आयत नंबर 61 पढ़िए, देखिए पढ़िए ये किस तरह से इस्लाम को आज मिसकोट किया जाता है और कितनी प्यारी बातें यहाँ सिखाई गई है। जंग के बारे में बताया गया है लेकिन बीच में ये आयत पढ़िए, वो इन जनहु लिसलमी, अगर वो सलमी पीस की तरफ, अमन की तरफ, हाँ उनका सुलह की तरफ उनका झुकाव हो, अगर उनका झुकाव हो सुलह की तरफ, वजनाह लहा तो तुम भी उसकी तरफ सुलह की तरफ झुको, व तवक्कल अल्लाह और भरोसा अल्लाह पर करो। भरोसा अल्लाह पर करो का मतलब क्या, यानी आदमी जब सुलह करता है ना तो ये डर होता है अरे मैं सुलह कर रहा हूँ सामने वाला मेरी पीठ में छुरी ना कर दे, छुरी ना भोके, तो अल्लाह ताला ने कहा अगर वो सुलह की तरफ मायल हो तो तुम भी मायल हो जाओ और भरोसा अल्लाह पर करो। इन्नहु हुवा समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है, मतलब तुम तो सब कुछ सुनने वाले हो नहीं, तुम तो सब कुछ जानने वाले हो नहीं, लेकिन अल्लाह तो सब कुछ सुनने वाला है। उसने हमें दीन में सिखाया कि सुलह कोई करना चाहता है तो तुम भी सुलह की तरफ मायल हो। तो हम देखते हैं बाज लोग आज सिर्फ 3 चीजें जिक्र करते हैं कि मुस्लिम फौज जब कहीं पहुंचती तो 3 ऑप्शंस होते थे। कौन से 3 ऑप्शंस? या तो
कबूल करो, हमारे हमें कबूल करो, सरेंडर करो और जिजिया दो, हाँ या तो जंग लड़ो, हाँ सॉरी या तो इस्लाम कबूल करो नंबर वन ऑप्शन, या तो तुम कबूल करो हमारी हुकूमत को और जिजिया दो, या तो नंबर तीन, और जिजिया के ताल्लुक से एक्सप्लेनेशन सूरह तौबा में आने वाला है, या तो तुम जंग लड़ो, तीन ऑप्शन। लेकिन वो लोग ये जिक्र नहीं करते ये आयत में जो जिक्र है सुलह, ये तो एक पहला ऑप्शन है, मतलब पहले सुलह की बात होगी, सुलह ट्रीटी है, अगर वो लोग सुलह चाहते हैं तो सुलह की बात होगी, और सुलह वो नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पर ये बात आएगी। तो अच्छा एक सवाल आया जिजिया क्या है, जिजिया की आयत सूरह तौबा तौबा की आज ही आने वाली है इंशाल्लाह, तो मैं तभी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 63 में आते हैं, वअल्लफ बैन कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया, लौ अनफक्ता मा फिल अर्दी जमीअ, अगर जो कुछ जमीन में है सब कुछ तुम खर्च कर देते, मा अल्लफ्ता बैन कुलूबिहिम, तो तुम लोगों के दिलों को इस तरह से नहीं मिला सकते थे। मतलब जो दिल अल्लाह ताला ने ईमान की बुनियाद पर मिलाया है ना, जिस तरह से मोमिनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, तो ये चीज अगर दुनिया में सब कुछ पैसा खर्चा कर डालते थे ना तो भी ऐसे दिलों को नहीं मिला सकते। वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों को मिला दिया, हाँ उनके दिलों को मिला दिया, इन्नहु अजीजुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला ताकत वाला हिकमत वाला है। और यही बात है मेरे भाइयों के आज भी इंटरनेशनल तौर पर मुसलमान, आप देखो मैं ताज्जुब करता हूँ, जब भी आप उमरा करो या तवाफ करो, आप देखो अल्लाह अकबर सारे मुसलमान पूरी दुनिया के, और ऐसा होता है कई बार किसी का धक्का लग जाता है, सुभान अल्लाह, मतलब एक मोहब्बत होती है एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मोहब्बत है ये, हाँ इंटरनेशनल मोहब्बत है, ऐसा नहीं कि मेरे गांव का मुसलमान है मेरे शहर का है तो मैं उसी से मोहब्बत करूँ, ये एक ऐसी मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने रखी है, जो पूरा करोड़ों खर्च करके नहीं मिल सकती, पूरी जमीन का अगर वो खर्च करो तो ये मोहब्बत नहीं ला सकते। आयत नंबर 65 में आता है, या यो नबी, ए नबी, हर दिल मोमिनीन अलल किताल, मोमिनों को किताल के लिए जंग के लिए उभारो, हाँ और ये पढ़िए, वही यकुम मिनकुन इशरूना साबिरीना यगलिबूना मियतैनी, अगर तुम में 20 है तो वो 200 के ऊपर गालिब आएंगे, वही यकुम मिनकुन मियतुन यगलिबूना अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, अगर 100 है तो वो 1000 के ऊपर गालिब आएंगे, क्योंकि मिनल्लज़ीना कफरू कुफ्र करने वालों पर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर समझ नहीं है, मतलब जो समझ नहीं है वो समझते नहीं है क्या है भाई जिंदगी का मकसद क्या है, क्यों जीते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों है क्या वगैरह, लोग लड़ते हैं सिर्फ अपनी शान शौकत के लिए, अपने नाम और इज्जत के लिए, लेकिन इस्लाम ने सिखाया नहीं इंसाफ के लिए, जुल्म वाल करने वाले का हाथ थामने के लिए, जुल्म को रोकने के लिए, जो मालिक कायनात है उसके कलिमे की सर बुलंदी के लिए, ये मकसद होना चाहिए। अब ये आगे पढ़िए, अलाना खफफ अल्लाहु अनकुम, अल्लाह ताला ने अब मामला तुम्हारे लिए हल्का किया है, हल्का किया है, वह अली माना फी कुम दाफन, अल्लाह जानता है कि तुम में कमजोरी है, फई यकुम इनकुम मियतुन सौबिरतुन, अगर तुम में 100 है सब्र करने वाले, यगलिबूना मियतैनी, वो 100 है तो 200 पर गालिब आएंगे वो, वही यकुम इनकुन अल्फुन यगलिबूना अल्फैनी, अगर तुम में 1000 है तो वो 2000 पर गालिब आएंगे, बिइज़्निल्लाह अल्लाह की मर्जी से, वल्लाहु मअ सौबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, अल्लाह ने क्या मामला हल्का किया, इससे पिछली आयत में आया है वो 10 वो 20 है तो 200 पे गालिब आएंगे, और 1000 है 20 है तो 200 पे गालिब आएंगे, 100 है तो 1000 पे गालिब आएंगे, 10 times। अब यहाँ पे जिक्र है 100 है तो 200 पे, क्योंकि अल्लाह जानता है तुम में कमजोरी है, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मामला आसान किया। क्या आसान किया, क्या मतलब है इसमें, मामला ये था कि अगर मुस्लिम फौज कहीं पर लड़ने जाए और वहां देखे कि वो 1000 है और सामने 2000 है, तो उनके लिए अलाउड नहीं है, हलाल नहीं कि वो कहे कि हम नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, क्योंकि अल्लाह ने बताया कि इतना तो तुम आसानी से कर सकते हो, ये अल्लाह ताला ने बताया, हाँ। और ये चीज जिक्र है, लेकिन इसके बावजूद आप देखोगे ऐसे ऐसे वाकयात, जैसे मिसाल के तौर पर जंगे मुताक के टाइम पर जब मुसलमान जो पहुंचे थे वहां पर 3000 पहुंचे थे, और सामने वहां पे जो रोमन फौज थी वो 1,00,000 थी, उसके ऊपर और 1,00,000 आए हुए थे, मतलब 66 times बड़ी थी, और फिर भी ये फौज जाकर आगे बढ़ी, और अल्लाह ताला ने वो 3000 को भी गलबा दिया, कैसे, तीन उनके कमांडर शहीद हुए और चौथे कौन थे, खालिद बिन वलीद सैफुल्ला, वहीं पे तो वो सीन पर आए थे, मंजर पे, आम मंजर पे लोगों ने देखा था, अल्लाह ने उनके जरिए किस तरह से फौज पर, यानी गलबा किस तरह से कि वो लोग लड़कर कैसे वो फौज को भी, वो लोगों ने एक अच्छा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, अपना ताकत का एक मुजाहरा किया, और फिर उन्होंने जंगी तौर पर वो आगे नहीं बढ़े, और यानी इस तरह से वो एक टैक्टिकल रिट्रीट करके खालिद बिन वलीद उस फौज को वापस लेकर आए थे, लेकिन 33 times से 66 times बड़ी फौज सामने थी, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लदीन कफरू बादुहुम औलिया बाज, जो कुफ्र करने वाले हैं वो एक दूसरे के मददगार है, इल्ला तफलूहू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्द, तो जमीन पर फितना हो जाएगा, वो फसादुन कबीर, और बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा,
जो कुफर करने वाले हैं वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, तो तुम जो ईमान वाले हो तुम लोग अगर ऐसे मिलजुल के नहीं रहोगे तो जमीन पे फितना होगा और बहुत बड़ा फसाद होगा। हम सबके लिए एक नसीहत है। यहाँ पर आयत नंबर 75 में पहुंचते हैं, अल्लाह ताला फरमाया वल्लदीन आमनु मिन बादु वहाजरु वजाहदु माकुम फौलाइका मिनकुम। जो लोग ईमान ले आए और उसके बाद हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया वो तुम में से है, माकुम वो तुम्हारे साथ है, उलाइका मिनकुम फौलाइका मिनकुम वो तुम में से है, वो तुम में से है। यहाँ पे दिया है जो तुम्हारे साथ जिन्होंने जद्दोजहद की वो तुम में से है। और आगे पढ़िए वउलुल अरहामी, ये जो ऊपर पहले वाला हिस्सा गुजरा इसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर ने वो सारी हदीसें जिक्र की है जिसके अंदर आता है कि शख्स उन लोगों के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। हाँ, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो तुम उनके साथ होंगे, नबियों से मोहब्बत करते हो, सहाबा से मोहब्बत करते हो तो उनके साथ होंगे। और आगे क्या जिक्र है, वो उलुल अरहामी बादुहुम औला बिबाज, जो रिश्तेदार है वो बाज दूसरों के ज्यादा करीब है। बाज रिश्तेदारी में बाज रिश्तेदार ज्यादा करीब होते हैं दूसरे रिश्तेदारों से। तो रिश्तेदारी का मामला यानी कि विरासत के मामले में ये चीजों में रिश्तेदारों का पहला हक है, लेकिन जो दीनी भाई हैं वो तुम उनके फौलाइका मिनकुम वो तुम में से है। तो दीनी भाईचारगी जो है वो बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला ने अगर तुम खर्च करते तो भी ये नहीं आती, लेकिन जो रिश्तेदारी का अपना मकाम है वो उलुल अरहामी बादुहुम औला बिबाज, तो रिश्तेदारी में विरासत के मामले में रिश्तेदारों में विरासत तकसीम होती है। इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। यहाँ पे सूरह अनफाल खत्म होती है, सूरह तौबा शुरू होती है। सूरह तौबा वो सूरह है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है। कुरान की 114 सूरतों में से एक सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, सूरह तौबा। इसके कई तकरीबन 14 के करीब जवाब रीजंस बताए गए हैं। बाज ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्शन दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह नहीं लिखने का इंस्ट्रक्शन दिया और ऐसे ही उन्होंने लिखा कातिबों को, और साहबा ने ऐसे ही लिखा, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे ही लिखा और ऐसे ही हम तक पहुंचाया। और एक वजह यह भी है कि दोनों सूरतों का मौजू सेम है, सूरह अनफाल और सूरह तौबा का सेम मौजू है, एज इफ वो जैसे कि कंटिन्यूड है। सूरह अनफाल में पहली जंग जो हुई थी बद्र जंग की जंग उसके बाद का मामला है, और सूरह तौबा के अंदर आखिरी जंग जो हुई थी जंगे तबूक उसके बाद का मामला है। अगर मदनी जिंदगी के शुरू के दौर को देखना है, शुरू की जंग के बाद के हालात को देखना है तो सूरह अनफाल पढ़िए, और मदनी जिंदगी में आखिरी जंग के बाद के मामला को देखना है तो सूरह तौबा पढ़िए। तो ये एक तरह का थीम कनेक्टेड है, ये भी एक आंसर है इस बारे में। तो सूरह तौबा के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है। बाज लोग ये कहते हैं सूरह तौबा अगर पढ़ो तो भी बिस्मिल्लाह नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। दरमियान में अगर आप पढ़ते हो, जैसे मान लो कुरान की तिलावत पर कुरान खोल करके कुरान पढ़ना जब शुरू कर रहा है उस एतबार से पढ़ रहे हैं, सूरह शुरू के एतबार से नहीं। तो अगर दरमियान में से कोई आयत पढ़ रहे हैं तो औजुबिल्ला बिस्मिल्लाह कहकर वो हम वहां से तिलावत शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब सूरह तौबा को स्टार्टिंग से तिलावत करेंगे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ देखते हैं। सूरह तौबा का थीम क्या है? उसका पहला थीम तो तौबा है, पहली थीम तो तौबा है, जैसे कि नाम है तौबा तो पहली थीम इसकी तौबा है। और दूसरी थीम इसमें यह है कि बरात, इसका नाम बरात भी है, जो बरात है जो मुशरिकीन से बरात का इजहार किया गया है, यानी कि डिसोसिएट डिसकनेक्शन का इजहार किया गया है कि अभी तुम्हारा हमारे साथ कनेक्शन नहीं है, बरात का इजहार किया गया है। तो ये भी बात इसके थीम्स में से है। और इसके अंदर जैसे मैं बताया कि आखिरी जंग के थीम और सूरह अनफाल सूरह तौबा दोनों में आप देखोगे कि उसके ताल्लुक से रहनुमाई है। सूरह अनफाल के अंदर जो बद्र में जंग जो गलतियां हुई थी बताई गई है ताकि वो करेक्शन किया जाए, फीडबैक लिया जाए, समझा जाए कि ये चीजें तुम्हें गलतियां नहीं करनी चाहिए बताई गई और रहनुमाई की गई, सुधारा गया, करेक्ट किया गया। सूरह तौबा में भी, सूरह तौबा में बहुत सारे आयतों में मुनाफिकीन का को एक्सपोज किया गया है, मुनाफिकीन की स्ट्रेटजी की को पहचानना बताया गया है। आज शुरू करते हैं, बरात मिनल्लाह, बरात है अल्लाह की तरफ से, व रसूल ही उसके रसूल की तरफ से, इल्लल्लज़ीना आहदतु मिनल मुशरिकीन, जो लोगों के साथ मुआहदा था तुम्हारा मुशरिकों में से। तो मुशरिकों में से जो लोगों के साथ मुआहदा था उनके साथ बरात का इजहार किया गया, ये ऐलान किया गया। कब, किस दिन ऐलान किया गया? आयत नंबर 2 पढ़ेंगे, आयत नंबर 3 पढ़ेंगे, व अज़ानु मिनल्लाह, ऐलान है अल्लाह की तरफ से, मिनल्लाहि व रसूलिहि उसके रसूल की तरफ से, इलन्नासि लोगों की तरफ, यौमल हज्जिल अकबर, उस दिन जो हज अकबर का दिन। अभी हज अकबर लोगों ने कंसेप्ट लाए हैं कि अगर जुम्मा के दिन यौमुल अरफा आया, या कौन सा यौमुल अरफा आया या यौमुल नहर, जुम्मा के दिन अगर आ जाए तो बोले तो हज अकबर है, ये ऐसा नहीं है मामला। हज अकबर जो है यहाँ पे मतलब ये है कि हज खुद ही एक टाइप की अकबर है, हज असगर उमरा है, हज अकबर हज खुद हज अकबर है। और इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने, यानी जो हम देखते हैं कि ये ऐलान जो हुआ था ये 10 जिलहिज्जा को हुआ था, हज के दौरान हुआ था, और ये 9 हिजरी की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हज में शरीक नहीं हुए थे क्योंकि उस हज के अंदर मुशरिकीन भी हज में शामिल थे, जो इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था वो लोग भी शामिल थे। वो लोगों की रस्मों में ये था
कि वो हज करने में लिबास उतार करके भी कई चीजें करते थे, उनकी रस्में थी उस जमाने की, जाहिलियत के जमाने की जो बनी हुई थी, वो सब पे अभी तक रोका नहीं गया था, और वो चीज पे रुकावट लाने में यहाँ पर ऐलान ये किया गया, यौमल हज अकबरी अन अल्लाह बरी मिन अल मुशरिकीन, कि अल्लाह बरी है मुशरिकीन से, वो रसूल हो अल्लाह के रसूल बरी है, वो इन तुम फहुवा खैरुल लकुम, अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो इन तवल्लई तुम अगर तुम पलट जाओ, फालमु तो जान लो अन्नकुम गैरु मुजिज़िल्लाही, तो जान लो कि अल्लाह ताला को तुम पे तुम गालिब नहीं आ सकते, अल्लाह ताला को हरा नहीं सकते, वो बशरिल लदीन कफरु बि अज़ाबिन अलीम, तो कुफ्र करने वालों को खबर दे दो एक बहुत ही दर्दनाक अजाब की। तो मेरे भाई मेरी बहने, ये आयत में ये बात जिक्र है, बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड है कि मुसलमानों के साथ ट्रीटी थी, वो ट्रीटी को मुशरिकीन में से बाज ने तोड़ा था, नंबर वन, तो उन्हें बताया गया तुमने तोड़ा ना, अब ये ट्रीटी खत्म, जो पिछली सूरह अनफाल में भी आयत आई थी ना कि जब ऐसा कुछ लगे तो तुम उसके अंदर बोल दो कि ट्रीटी अब खत्म, तो ट्रीटी खत्म में भी 4 महीने की मोहलत दी जा रही है कि 4 महीने तक तुम्हारे लिए मोहलत है, 4 महीने के बाद में तुम पर हमला होगा, इसलिए 4 महीने के अंदर तुम्हें जहां जो घूमना है घूमो, जाना है आना फिरना करो, लेकिन 4 महीने की मोहलत दी गई है। ये ट्रीटी खत्म में 3 कैटेगरीज जिक्र है। फर्स्ट कैटेगरी वो लोग जिन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी, उन्हें दिया गया 4 महीने की मोहलत दी गई। दूसरे वो लोग जिनके साथ 4 महीने से कम की मुद्दत की ट्रीटी थी, हाँ 4 महीने से कम की मोहलत की ट्रीटी थी, तो उन्हें भी कहा गया कि अभी 4 महीने तुम्हारा टोटल है, इसके बाद और ट्रीटी नहीं होने वाली। और तीसरी वो कैटेगरी थी जिन लोगों के साथ अनलिमिटेड पीरियड की ट्रीटी थी, तो उन्हें भी कहा गया कि अभी ये ट्रीटी यहाँ से खत्म होगी, क्योंकि अब यहाँ से मक्का और मक्का का एक स्टेटस है वो हरम है, और उसके अंदर मुशरिकीन की अंदर आना और हज करना, वहाँ पे उनकी रस्में करना अलाउड नहीं है। एक जगह होती है ना हेडक्वार्टर, एक जगह होती है जैसे एक हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो ये मुसलमानों का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, और यहाँ पर हज के लिए लोग आएंगे, और यहाँ पे जो हज के लिए आएंगे, उमरा के लिए लोग आएंगे, एतकाफ के लिए आएंगे, तवाफ के लिए आएंगे, तो उनके लिए वो सारी चीजें नहीं होगी, तो उनको यहाँ पर मना किया गया। आगे हम ये देखते हैं आयत नंबर 5 में आते हैं, वो वर्स है, और जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमारा एक मकसद ये भी है कि जो कुरान की आयतों को लोग मिसकोट करके नफरत और गलतफहमियां फैलाने की कोशिश करते हैं, तो हम वो आयतों को भी समझें ताकि हम लोगों के गलतफहमी को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, कौन से मुशरिकीन की बात हो रही है, जिनके साथ ये सारा मामला था, वो एरिया के लोग थे, उनके साथ पूरे ये 23 साल की हिस्ट्री थी, 22 साल के बाद ये आयत नाज़िल हुई, 22 साल के बाद ये आयत नाज़िल हुई, उनके साथ पूरा ये पूरा मामला था, जंगें हुई थी, अल्लाह ताला ने गलबा दिया था, और फिर जो सुलह की ट्रीटीज थी दूसरे लोगों से, तो उसके अंदर ये उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई। अब लोग इसको मिसकोट करके क्या बताते हैं कि ये जो जंग की बात है, जैसे हम पढ़ने वाले आयत पहले पढ़ लेते हैं, क्या मिसकोट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ। फैज़न सलखल अशुरुल हुरुम, जब हुरमत वाले महीने गुजर जाए, फ़क्तुलुल मुशरिकीन, तो मुशरिकीन के साथ किताल करो, मतलब फाइट करो, लड़ो, हाँ फिर उनके उसके अंदर जंग होगी, उसके अंदर किताल, जंग के अंदर क्या होता है, जंग के अंदर होता है मारना होता है। फ़क्तुलुल मुशरिकीन हैथ वजदतुमूहुम, जहां कहीं तुम पाओ, वखुज़ूहुम, उनको पकड़ो, उनकी गिरफ्त करो, वहसुरूहुम, उनको कैप्चर करो, वक़ुदू लहुम कुल्ला मरसदिन, और उनका इंतजार करो जंग के हर हरबे में, उनका इंतजार करो। फ़इन ताबू, अगर वो तौबा करे, वक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करे, वातउज़ ज़कात, और ज़कात दे, फ़खल्लू सबीलहुम, तो उनका रास्ता खोल दो, इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। अब वो लोग इस आयत को पूरे कॉन्टेक्स्ट से सूरह तौबा की आयत नंबर 5 को निकाल करके ऐसे बताते हैं जैसे कि एक आयत है। हालांकि अगर आप वाज़ह तौर पर पढ़ें तो कुरान में सूरह मुमतहिना खोल के पढ़ेंगे, सूरह 60 आयत नंबर 8 और 9, तो उसमें वाज़ह तौर पर दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों के ताल्लुक से नहीं रोकता जो तुमसे तुम्हारे दीन के लिए नहीं लड़ते, ना तुम्हें अपने घरों से बाहर करते हैं कि तुम अंतबर्रुह व तुक्सितु इलैहिम, कि तुम उनके साथ अच्छे मामलात रखो और उनके साथ इंसाफ का मामला करो, अल्लाह ने नहीं रोका। क्लियर आयत है कुरान की। और कुरान के अंदर तो उल्टा पड़ोसी का ख्याल रखो, कोई भी जंग, कोई भी मजहब का पड़ोसी हो, ये नहीं दिया कि सिर्फ मुस्लिम पड़ोसी, इंसाफ करो, यहाँ तक आके जुल्म भी मत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इत्तकु दावतल मजलूम, किसी भी मजलूम की बद्दुआ से डरो, व इन काना काफिर, चाहे वो काफिर गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, मतलब चाहे गैर मुस्लिम भी, उस पर जुल्म भी मत करना, उस पर ना इंसाफी मत करना, अल्लाह ताला ना इंसाफी करने वालों को नहीं पसंद करता। अब ये आयत है जंग के मैदान के अंदर। अब वो लोग इस आयत को बाहर निकाल करके बताते हैं जैसे कि इस्लाम ने सिखाया कि किसी भी मुशरिक का कत्ल करो, हालांकि यहाँ पे खुसूसी मुशरिकीन की बात हो रही है, जो आप आयत नंबर 1 से 5 तक पढ़ेंगे, तो जैसे कि हम देख सकते हैं वो जिनके साथ ये सुलह थी और जिनके साथ ये पीस ट्रीटी थी, और वो ट्रीटी के अंदर ये मामला हुआ, उसके अंदर वो ट्रीटी खत्म करके भी फौरन अगले दिन नहीं, सडनली आके हमला कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। 4 महीने की मोहलत दी जा रही है, 4 महीने में आदमी वो एरिया जिसके अंदर मना किया गया था उससे बाहर जा सकता है, आसानी से बच सकता है। आयत नंबर 6 नहीं पढ़ते हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 6, इस आयत में क्या दिया है,
अल्लाह ताला फरमाया वो इन अहदु मिनल मुशकीन अस्तजारका, अगर मुशकीन में से कोई तुम्हारी पनाह मांगे फाजिर हो तो उसे पनाह दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक का कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले, यस्मा कलाम अल्लाह थुम्मा अब्लिगहु मा मनहु, और फिर उसे ऐसी जगह पर पहुंचाओ जहां पे वो महफूज हो। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, क्योंकि ये वो कौम है जिन्हें नहीं मालूम है, तो अगर वो तुम में से उनमें से कोई जंग के मैदान में तुम्हारी पनाह मांगे तो पनाह तुम दे दो, तो लड़ते लड़ते कोई कहे मैं तुम लोगों से पनाह मांग, मैं तुम्हारी पनाह में आना चाहता हूँ, मैं पनाह मांग रहा हूँ, तो ये ऐसे शख्स को पनाह दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसी कई मिसालें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हुदैबिया के मौके पर बाज़ लोग आए थे जो जिन्होंने ट्रीटी के तहत थे, यहाँ तक कि मुसैलमा कज़्ज़ाब का जो जो वो आया था उसका अम्बेसडर आया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने दावा किया था कि मैं नबी हूँ, और वो शख्स जो उसका अम्बेसडर था उसने आकर कहा कि क्या कि मैं ये कहता हूँ कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा नहीं होता कि जो जो वो जो अम्बेसडर होते हैं ला तुक्तल, उनका कत्ल नहीं किया जाता, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें मैं जरूर इस बात के लिए मौत की सजा देता था। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी पनाह देने की कई मिसालें हैं, और ये मुसलमानों की जंग का सिस्टम है इसके अंदर। आगे आयत नंबर 11 में आते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वह इन ताबू, अगर वो तौबा करे, वह कामसला व आत जक़ात, और नमाज पढ़े और जक़ात दे, फ़ैख्वानकुम फ़ि दीन, तो वो तुम्हारे दीन में भाई है, वह नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी यअलमून, अल्लाह ताला ने आयतों को खोल खोल के बयान कर दिया ऐसे कौम के लिए, लोगों के लिए जो जानते हैं। ये आयत को दलील बनाकर जब जब ऐसे बाज लोग थे जिन्होंने इनकार कर दिया कि हम जक़ात नहीं देंगे, हम जक़ात नहीं देंगे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर उनको पहले वार्निंग्स दी, उनको समझाया गया, फिर कहा कि अगर तुम जकात नहीं दोगे तो तुम पे जंग का ऐलान होगा, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुम नमाज पढ़ो और जकात दो तो तुम भाई हो, वह इख्वानुकुम फइख्वानुकुम फि दीन, तो दीन में भाई हुए। अगर तुम जकात देने से इनकार कर रहे हो, यानी कि फंडामेंटल चीज है, तुम अगर इसका इनकार कर रहे हो तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। आयत नंबर 24 में आते हैं, तो ये मजबूत बात है, सब लोग गौर से पढ़िए और इस आयत को अपने दिलो जान में बिठाइए। कुल कह दो उनसे, इनकाना आबाहुकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे औलाद, वह इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, वह अज़वाजुकुम तुम्हारे जोड़े शौहर बीवी, वह आशीरतुकुम तुम्हारे रिश्तेदार, वह अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा जो माल तुम जमा करके रखते हो, वह तिजारतुन तख्शौना कसादा या वो तिजारत जिसमें तुम्हें डर है कि नुकसान हो जाएगा, वह मसाकिनु तरदौनहा और वो घर जिसमें तुम्हें बहुत खुशी होती है। अहब 8 चीज़ें जिक्र है, 8 चीज़ों के बाद अल्लाह ने कहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि, अगर तुम्हें यह अल्लाह से ज्यादा पसंद है, वो रसूल ही अल्लाह के रसूल से ज्यादा पसंद है, वो जिहादिन फी सबीली अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा पसंद है, जद्दोजहद कोशिश और जिहाद की अलग अलग शक्लें होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हक बात को पहुंचाना, हाँ ये भी अफ़दलुल जिहाद, कलिमतु हक़्किन इंदा सुल्तानिन जायज़, एक मजलूम एक जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना ये भी एक जिहाद है। और तो वह जिहादिन फी सबीली ही अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा तुम्हें ज्यादा पसंद है, फतरबसु तो वेट करो, इंतजार करो, इंतजार करो का मतलब अब क्या होगा, हत्ता याति अल्लाहु बि अम्री, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फैसले को ना ले आए, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता, नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। तो ये सूरह तौबा की आयत है मेरे भाई मेरी बहनें, ये याद रखना चाहिए कि हमें अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, और उसके रास्ते में जद्दोजहद करना, कोशिश करना जो हम सब की जिम्मेदारी है। अब उसकी शक्लें बदलती है, इंसाफ और इस्लाम ने हमें ये सिखाया कि किस तरह से हक बात को पहुंचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया जाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, बे अम्वालिकुम अपने माल से, व अनफुसिकुम अपनी जानों से, व अलसिनतुकुम अपनी जुबानों से, अपनी जुबान से भी करो, मतलब जुबान से हक बात पहुंचाना ये भी एक तरह का जिहाद है फी सबीलिल्लाह। और हम देखते हैं कि ये गलत फहमियां बहुत फैलाई गई है, और हमें वाजे करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जिहाद लफ्ज जद्दोजहद से मुजाहिदा से आता है, ये हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाया लक़द नसरकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की, फी मवातिना कथीरतन कई मौकों पर, वयौम हुनैन, और हुनैन के दिन, इदा जबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हें ताज्जुब था अपनी कसरत के ताल्लुक से, अपनी अदद के ताल्लुक से कसरत था, फलम तुगनी अनकुम शैया, लेकिन वो कसरत तुम्हें कोई काम नहीं आई, वदाकत अलैकुमुल अर्दु, जमीन तुम्हारे लिए तंग हो गई, बिमा रहुबत, उसकी खुशादगी के बावजूद तुम्हारे लिए तंग हो गई, तुम वल्लई तुम मुदबिरीन, और तुम पलट गए पीठ अपनी पलट करके, तुम जान भागने लगे। तो ये जंगे हुनैन का जिक्र है, और जंगे हुनैन के अंदर मुसलमानों के नंबर्स बहुत सारे थे, लेकिन दुश्मन ने इस तरह से हमला किया
कि उसके अंदर कई सारे जो फतेह मक्का के बाद कई सारे लोग जो नए नए इस्लाम में आए थे, अब ये मुसलमान जो इतनी कम फौज के साथ इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, अब यहाँ पर बड़ी नंबर्स लेके गए थे, लेकिन बड़े नंबर्स के बावजूद यहाँ क्या हुआ, मामला जमीन तंग हो गई और लोग पीठ पलट करके भागने लगे। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया ثم انزل الله سكينته, फिर अल्लाह ताला ने नाजिल किया अपना सुकून, अला रसूलिहि, अब उसके रसूल पर, मतलब जंग के मैदान में भी बहुत सुकून और इत्मीनान से थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वा अलल मोमिनीन, और जो मोमिनीन उनके साथ थे, जो मजबूत ईमान वाले लोग साथ में थे, वा अनजला जुनूदन लम तरौहा, और ऐसी फौज को भेजी यानी फरिश्तों को जिनको तुमने नहीं देखा, हां, वा अदबल लदीन कफरु, अजाब दिया कुफ्र करने वालों को, वदालिका जजाउल काफिरीन, और ये था बदला कुफ्र करने वालों का। हम देखते हैं कि जब लोग पलट के जाने लगे तो उस वक्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर बैठे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े, अना रसूलुल्लाह ला कदीम, मैं हूं अल्लाह का रसूल, मैं कोई झूठा नहीं हूं, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं ही हूं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, मतलब ये बताया कि मैं ही हूं, और आगे बढ़े। और जब सहाबा ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़ रहे हैं, तो सब लोग जो मजबूत ईमान वाले पहले उनके साथ आगे बढ़े, फिर बाद में जब लोगों ने देखा ये लोग खुद आगे बढ़ रहे हैं तो सबके सब आ गए, और मुसलमान फौज वापस जो पीछे पीठ पलट चुकी थी और हार का मामला हो चुका था, फिर वो मामला पलट गया और खुद एक इंसान की बहादुरी उसमें मेन वजह बनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर आगे बढ़े थे। और ये मामला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बहादुर थे। आजकल के जो चॉकलेट हीरो जिनको लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं और जिनकी फोटोज लगाते हैं, काश कि उनको पता होता क्या ये बहादुर, अरे असल बहादुरी क्या होती है, हम ये देखते हैं। बाज लोग इसके अंदर नहीं समझते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अल्लाह ताला ने उन्हें बहादुर बनाया था, वो हमारे लिए हर एतबार से उसवा नमूना है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इस आयत में, आगे आयत नंबर 28 में आते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन, यकीनन मुश्रिकीन नजस है, नजस यानी के गंदे हैं, नापाक है, फला तकरबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा, तो वो मस्जिद हराम के करीब भी ना आए इस साल के बाद। अब ये आयत को लोग आज कोट कर रहे हैं मुसलमानों के, गैर मुसलमानों के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने के लिए, वो कहते हैं देखो ये मुल्क ये मुसलमान मानते हैं कि तुम लोग सब नापाक हो, गंदे हो। तो मैं आपके सामने वाजे कर दूं कि यहाँ पे जो नजसुन है ये ईमान की बात हो रही है, उनके अकीदे की बात हो रही है, उनके बिलीफ की बात हो रही है, जो बिलीफ है उनका वो गंदा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। गॉड अलमाइटी मालिक कायनात के बारे में ऐसी बातें किसी भी इंसान को नहीं बोलना चाहिए कि उसका कोई शरीक है, पार्टनर है, मददगार है, भागीदारी है, और ये होना नहीं चाहिए, सब लोगों को ये मानना चाहिए, तो ये होना चाहिए, हाँ, तो ये बिलीफ की बात है। लेकिन जहां तक फिजिकल जिस्मी तौर पर बात है, हम लोग उन्हें नजस नहीं समझते, जिस्मी तौर पर गंदगी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमानों के हाथ से बनाया हुआ खाना क्यों खाया, उनका दिया हुआ खाना बना करके हदिया दिया तो वो क्यों खाए, यहां तक आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जहर देने की कोशिश की थी यहूदी औरत ने, तो खाना बनाया हुआ था, अगर हम उन्हें गंदा और नापाक समझते तो उनका बनाया हुआ खाना भी नहीं खा सकते थे ना, अगर गंदा और नापाक समझते तो ऐसा क्यों था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए नजरान से जो लोग आए थे वो मस्जिद नबवी में आकर बैठ के मुलाकात हुई थी। और आपको कई मामला मिलेंगे कि कोई गैर मुस्लिम मस्जिद में आया, एक बार सुमामा बिन उसाल नाम के गैर मुस्लिम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बांधा था, फिर ऐसा हुआ कि 3 दिन बांधने के बाद उसने मुसलमानों को देखा, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की बातें देखी, और देख करके इतना इंप्रेस हुआ कि उसने इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो गैर मुस्लिम था ना जब बांधा था। अगर हम नजस और गंदा समझते फिजिकल तो हम बांधते नहीं, तो यहाँ पे फिजिकल गंदगी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ईमान और एतकाद की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं। आयत नंबर 29 में आते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر, قتال کرو وہ لوگوں کے ساتھ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے, نہ قیامت کے دن پہ ایمان ہوتا ہے, ولا يحرمون ما حرم الله, جو اللہ نے حرام کیا وہ چیزیں وہ حرام نہیں مانتے, ورسوله اس کے رسول نے جو حرام کیا وہ نہیں مانتے, ولا يدينون دين الحق, اور دین حق جو ہے اسے دین صحیح نہیں سمجھتے, من الذين اوتوا الكتاب, اہل کتاب میں سے, جو اہل کتاب میں سے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو لوگ یہ ساری چیز نہیں کرتے ان کے خلاف تم جنگ لڑو, हत्ता यूतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, यहां तक कि वो जिज़िया ना दे दे अपने हाथों से इसे मानते हुए, वहुम सागिरून कि सरेंडर सबमिट होते हुए वो जिज़िया ना दे दे। तो यहाँ पे यह है जिज़िया के ताल्लुक से आयत, और आज जिज़िया को लेकर के भी मुसलमानों के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस्लामिक हुकूमत के अंदर, इस्लामिक हुकूमत में मुसलमानों को ज़कात देना होता है, गैर मुस्लिम ज़कात तो नहीं देंगे, ज़कात खुद एक इबादत है, ज़कात का माल किस पे खर्च होगा, फ़ुक़रा मसाकीन, उस सबका जिक्र भी आने वाला है, हाँ, तो यहाँ पर वो लोग क्या देंगे, जिज़िया देंगे। ये नहीं बताया जाता कि नॉन मुस्लिम क्या देगा, ज़कात नहीं देगा तो उसके लिए जिज़िया है, जिज़िया लेकिन कौन देगा, औरतें नहीं देंगी, बच्चे नहीं देंगे, मर्द देंगे, बुजुर्ग नहीं देंगे, कोई बीमार और गरीब नहीं देगा जो एबल बॉडीड है, जिनके पास है। और जिज़िया की रकम कितनी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 1 दीनार,
एक दीनार से क्या होता है, साल का एक दीनार, एक साल का। उमर अदलाम के जमाने में क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाउंट फिक्स नहीं किया, वो हम जमाने और दौर और हालात के एतबार से है, तो उमर अदलाम के जमाने में किसी इलाके में एक दीनार था, किसी इलाके में चार दीनार था, जहाँ के एरिया के लोग मालदार थे वहाँ चार दीनार था, नहीं तो नॉर्मल एक दीनार था। एक दीनार की कितनी वैल्यू, एक मिंडी आती थी साल में, इतना मुसलमान तो उतना जबा करते हैं कुछ, मतलब कुर्बानी के अंदर, कुर्बानी के अंदर और अकीका के अंदर कितना ऐसे होता है। तो ये इतना अमाउंट, ये इसलिए वहम सागरों के मानते हैं कि भाई हम आपकी आपकी लीडरशिप को मानते हैं, यानी कहीं पर अगर मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं तो ये सरेंडर, ये एक सिंबॉलिक अमाउंट होता है ये बताने के लिए कि ओके हम आपकी अथॉरिटी को मानते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ बगावत में नहीं खड़े हैं। तो यानी ये एक तरीका है, ये चीज है, ये वो जमाने में होता था, दूसरे पर लोग भी वो करते थे। तो ये जजिया का चीज, इसके बारे में बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये जजिया के ताल्लुक से आयत जो आज हमने कुरान में सूरह तौबा की पढ़ी, आयत नंबर 30 में आता है, वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है, वकालत नसारा, नसारा कहते हैं कि मसीह इब्नुल्लाह, मसीह अल्लाह का बेटा है, मसीह अल्लाह के बेटे हैं। तो ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनकी जुबानों से मुंह से कही भी बस बातें हैं, युदाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ताला ये जो कफ़रू, जो कुफ्र करने वाले मिन क़ब्ल, उनसे पहले जो थे उनकी बातों को वो इमिटेट करते हैं, मतलब ये भी तुम्हारे ये पेगन कल्चर से आई हुई चीजें, ये मुशरिकों के कल्चर से आई हुई है। क़ातलहुमुल्लाह, बर्बाद हों वो, अल्लाह अल्लाह उन्हें बर्बाद करे, अन्ना युफ़क़ून, कैसे वो गुमराह हो गए हैं, कैसे किस तरह से वो गलत बातें कहते हैं, किस तरह से वो भटक गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये यहूदियों के ताल्लुक से और नसारा के ताल्लुक से, और फिर अगली आयत है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, वो लोगों ने अपने अहबार और रुहबान, अपने अपने अहबार और रुहबान, जो अहबार का मतलब क्या है, जो उनके उलमा है, जो उनके पादरी है, और रुहबान उनके मॉन्क्स है, मॉन्क्स रहबा से आता है, मतलब जो लोग अलग रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, रुहबान, हाँ, अरबाब मिन दुनिल्लाह, उन्हें रब बना दिया अल्लाह के अलावा, रब, जो क्रिश्चियंस एंड जूस के बारे में है कि उन्होंने अपने रबाइस को, अपने प्रीस्ट को, पास्टर्स को रब बना दिया है, रब अल्लाह के अलावा रब बनाया है। वल मसीह इब्न मरियम, मसीह इब्न मरियम को भी रब बनाया, वमा उमिरू इल्ला लियाबुदू इलाहन वाहिद, और उन्हें हुक्म नहीं दिया गया था कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, ला इलाहा इल्ला हुवा सुभानहु अम्मा युशिकून, नहीं कोई माबूद है बरक सिवाय उसके, पाक है वो उन चीजों से, वो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। अब यहाँ पर यह आज की तफसीर में हम देखते हैं, आदि इब्न हातिम की हदीस मिलती है, तिर्मिदी के अंदर हदीस सही सनद से है, आदि इब्न हातिम क्रिश्चियन थे पहले, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इन्नहुम लम यकुनु याबुदूनहुम, उनके सवाल, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग तो उनकी इबादत नहीं करते हैं, उनके रबाइस की, प्रीस की, अगर आप में से कोई लोगों ने देखा है चर्च में क्या होता है, तो क्या अपने फादर और पास्टर जो होते हैं, उनके पास्टर्स और फादर्स जो होते हैं, क्या वो उनकी इबादत करते हैं। तो आदि इब्न हातिम का एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल था, कहा कि वो लोग तो उनकी इबादत नहीं करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्नहुम लम यकुनु याबुदूनहुम वलाकिन, वो लोग हाँ उनकी इबादत नहीं करते हैं, वलाकिन इजा इस्तहल्लू लहुम शैयन, इजा हल्लू लहुम शैयन इस्तहल्लू, जब वो कोई चीज उनके लिए हलाल करते हैं तो ये लोग उसे हलाल समझते हैं, व इजा हर्रमो अलैहिम शैयन फहर्रमूहू, और वो लोग जो उनके प्रवाइज एंड प्रीस जो होते हैं, कोई चीज उनके लिए हराम करते हैं तो वो हराम समझते हैं, तो हाँ ये तो है, तो ये है उनकी इबादत। मेरे भाई मेरी बहनें, समझना क्या है ना, हलाल और हराम आता है अल्लाह की तरफ से, आपको मुझे कोई हक नहीं है कि हम लोग हलाल और हराम बनाए, क्यों, क्योंकि कायनात का मालिक वो जानता है क्या हलाल है, क्या सही है, क्या हराम है, क्या बुरा है हमारे लिए, वो जानता है। अब अगर ये राइट अल्लाह के अलावा किसी और को दे दिया जाए तो ये रब बनाना हुआ, रब, और रबाइज एंड क्रिश्चियंस एंड जूज में यही मामला है। वहां पे कैसा होता है, जैसे आपको एक मिसाल देता हूं मैं, कि क्रिश्चियन बाइबल में कहीं भी मोर देन वन मैरिज मना नहीं है, बल्कि आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी एक से ज्यादा बीवियां थी, इब्राहिम, सोलोमन, कई सारों की एक से ज्यादा बीवियां थी, कहीं भी मना नहीं, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन जो प्रीस्ट है उन्होंने एडिक्ट पास किया कि हम हराम करते हैं मोर देन वन मैरिज, वी प्रोहिबिट इट, उसी तरह रबाइज ने ये एडिक्ट दिया कि वी प्रोहिबिट पॉलीगमी। तो यहाँ क्या मामला है कि ये चीज हलाल और हराम कौन कर रहा है, अल्लाह ने नहीं किया, उनके गॉड ने नहीं किया, उनके किताब में नहीं है, उनके प्रीस्ट एंड पास्टर हलाल और हराम बनाते हैं, उनके अकल में सही लगता है, जो उन्हें सही लगता है, ये परमिसिबल है, ये परमिसिबल है, ये प्रोहिबिटेड है, हलाल और हराम वो लोग बनाते हैं। इस्लाम में क्या है ना, उलमा हलाल और हराम नहीं बनाते, उलमा हलाल और हराम की खबर और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं, हलाल और हराम कुरान और हदीस में मिलेगा, सही कुरान और हदीस के ही बेसिस पे हलाल और हराम, उलमा अपने हिसाब से नहीं बोल सकते ये हलाल है हराम है, वो दीन बदल नहीं सकते। तो ये अगर कोई करता है तो उसने रब बना दिया, रब, हाँ, तो ये है किस तरह से रब बनाना, और ये बात को हमें समझना है, तौहीद और रुबूबिया में शिर्क हुआ, शिर्क। आयत नंबर 33 में आते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल लजी अरसला रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, व दीन अल हक, हक दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही,
ताकि वो दीन को सारे मजहबों पर, सारे दीनों पर गालिब करें। कुल्ली ही वलो करीहल मुशरिकून, चाहे ही मुशरिकीन उसे नापसंद करें। तो ये क्या है, अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत नाजिल की, ये आयत बताई कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। अल्लाह ये चाहते हैं कि दीन हक जो है वो गालिब किया जाए, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, सारे दीनों पर, सारे मजहबों पर। और अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह ने हिदायत के साथ जो भेजा, जो दीन हक, हक बात, सच्ची बात के साथ भेजा, उसका ये मकासद में से ये भी एक मकसद है कि ताकि वो गालिब किया जाए। वलो करीहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकीन इसे नापसंद करते हैं तो भी। आयत नंबर 34 में आते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालों, इन कसीर मिनल अहबारी व रुहबानी, यकीनन बहुत सारे अहबार और रुहबान जो रबाइज और प्रीस्ट होते हैं, लयाकुलून अम्वाल नास, वो लोगों के माल को खाते हैं, बिल बातिल, गलत तरीके से लोगों को खाते हैं, वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से उन्हें रोकते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने बताया वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिद्दा, जो लोग सोने और चांदी को कनज, कंज जमा करके रखते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, और बशर हम भी अज़ाबिन अलीम, उन्हें खबर दे दो, बहुत ही दर्दनाक अजाब की खबर दे दो। यानी ऐसे लोग हैं जो पैसे को जमा करके रखते हैं, सोना चांदी जमा करके रखते हैं, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, कंज होता है वो, मतलब जमा करके रखा हुआ है, उसमें खर्च नहीं करते हैं, ज़कात नहीं देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ज़कात फर्ज सदका हुआ और नफिल सदका होता है, अल्लाह ने कहा उनको, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खबर दो, यौमा युहमा अलैहा फिन्नार फी नारी जहन्नम, जिस दिन वो आग, उसे युहमा, हाँ उसे गर्माया जाएगा, फिनारी जहन्नम, जहन्नम की आग में वो सोने और चांदी को गरमाया जाएगा, फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, और फिर दागा जाएगा, यानी कि उसके अंदर यानी कि ब्रांड किया जाएगा उनकी पेशा, उनकी पेशानियों को, वो जुनूबुहुम, उनके पीठ, उनकी उनके पहलुओं को, साइड्स को, और जुनू जुहूरहुम, पीठ को दागा जाएगा, मतलब ब्रांडिंग किया जाएगा। हादमा कनस्तुम, ये है जो तुम जमा करके, खजाना जमा करके रखते थे, भी अनफुसिकुम, अपने खुद के लिए, फज़ूकु मा कुंतुम तकनिज़ून, तो चखो क्या तुमने जमा करके रखा। ये हम सब के लिए इबरत है कि पैसा जो है अल्लाह की दी हुई अमानत है, उसके अंदर एक फर्ज सदका होता है जिसे ज़कात कहते हैं, और एक नफिल सदका होती है कि खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, अगर जमा करके रखोगे तो यही माल तपाया जाएगा क़यामत के दिन, और इस तरह से दागा जाएगा। अल्लाह मुस्तआन, बहुत सख्त बात है मेरे भाइयों, मेरी बहनें, इबरत है हम सब के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना इद्दत शुहूरी, 36 नंबर आयत, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाही इतना अशरा शाहरन, महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 है, फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब है, यौमा खलक समावाती वल अर्ज, आसमान और जमीन जिस दिन बना था तब से, हाँ, मिन्हा अरबातुन हुरुमुन, उसमें से चार हुरमत वाले, दालिका दीनुल कय्यिम, ये है सही सीचा, सही दीन, फला तज़लिमु फीहिन्ना, इस मामले में जुल्म मत करना, अनफुसकुम, अपने ऊपर जुल्म मत करना, मतलब बदलना नहीं। मुशरिकीन का मामला क्या था ना, वो महीनों को बदल देते थे, हुरमत वाले महीने, चार जो हुरमत वाले महीने हैं, ये जिक्र उनमें, मुशरिकों में भी ये बात थी, और ये चार हुरमत वाले महीने कौन से हैं, रजब एक है, और फिर तीन कंटिन्यूस है, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये चार हुरमत वाले महीने, ये महीनों में जंग की शुरुआत करना मना है, और इनमें हज वाले महीने भी आते हैं, लोग हज वगैरह के लिए भी जाते हैं, तो ये महीनों के अंदर गुनाह की वैल्यू और ज़्यादा है, और नेकी की वैल्यू भी और ज़्यादा है, तो गुनाह से बचने की और ज्यादा कोशिश करना चाहिए, निकियों में और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए चार हुरमत वाले महीनों में। तो ये चार हुरमत वाले महीने, जैसे अलग अलग मौसम होते हैं ना, ऐसे अल्लाह ताला ने दीनी एतबार से भी चार महीने रखे हैं, ये हुरमत वाले महीने हैं, और ये हमें याद रहना चाहिए। अब होता क्या था, मुशरिकीन क्या करते थे कि ये महीने में कभी किसी महीने में उनको जंग करनी है ना, तो अपना महीना नेक्स्ट बढ़ा देते थे, ये अगले महीना, अभी नेक्स्ट मंथ आएगा, अभी ये महीने के ये आगे बढ़ा दिए, इस तरह से उन्होंने हेर फेर, खेल को बहुत सारा किया था महीनों के अंदर। अब एक क्वेश्चन ये आया कि वो जो रियली हुरमत वाले महीने थे वो कहाँ गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरतुल विदा के मौके पर फरमाया 10 हिजरी में, कहा कि जमाना घूम करके वहां पे वापस आ गया जहां से शुरू हुआ था, यौमा खलक़स समावाती वल अर्ज़, इस आयत में दिया है, जिस दिन आसमान और जमीन बना था उस चीज पे वापस आ गया, मतलब सारे हेर फेर, यानी अगर किसी ने दो प्लस किया, फिर दो माइनस किया, फिर दो एक प्लस किया, फिर एक माइनस किया, तो घूम फिर करके वो वापस जीरो पे आ गए, मतलब जहां थे वहां पे शुरू होके वहां पे वापस आ गए, तो ये हुआ, और ये जमाने के ताल्लुक से बात आई। आयत नंबर 40 में आते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाह इज अखरजहुल्लदीन कफरू थानियतैन, कि अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे नबी की, तो अल्लाह ने उसकी मदद की, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, इज अखरजहुल्लदीन कफरू, जब कुफ्र करने वालों ने उन्हें निकाला था, हाँ जब वो मक्का से निकले थे हिजरत के लिए, थानियतैन, और वो दो में से एक थे, इज हुमा फिल गार, वो गार में छुपे हुए थे, हाँ दो में से एक थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इज यकूल लिसाहिबिही, जब उन्होंने अपने साथी से कहा ला तहजन इनल्लाह माना, गम्मत करो अल्लाह हमारे साथ है, फानजलल्लाहु सकीनतहु, अल्लाह ने अपने सुकून अपने नबी पर सुकून नाजिल किया, सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और ऐसी फौज से मदद किया जो तुमने जो तुम देख नहीं सकते, हां वो जाला कलिमत الذين كفروا سفلى, अल्लाह ने जो कुफ्र करने वालों के कलिमा को नीचे निचला कर दिया, वो कलिमत الله هي العليا, अल्लाह का कलिमा غالب रहा ऊंचा रहा, वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह ताकत वाला हिकमत वाला है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं मेरे भाई मेरी बहनें कि ये हिजरत का वाकया जिक्र है, और ये सूरा पूरे के पूरी ये वहां पर आखिरी वक्त यानी कि जंग तबूक के बाद और जंग हुनैन के बाद वो जंग उसके बाद जंग तबूक के बाद वो सारी चीजें आ रही है, लेकिन वो हिजरत का वाकया याद दिलाया जा रहा है कि जरा सोचो यहाँ ये हाल था, अल्लाह ताला ने कैसे हालात बदले, कैसे मुसलमान गालिब आए, फतेह मक्का हुआ, कैसे अरेबियन पेनिनसुला पे गालिब आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये अल्लाह ताला का प्लान है और अल्लाह ताला गालिब करने वाला है, और हमने देखा कि ये हुआ। तो ये चीज जिक्र है मेरे भाइयों मेरी बहनें ताकि इबरत के तौर पर हम देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मोमिनों का फीडबैक के मुश्किल जब हालात आते हैं ना, मुश्किल इससे पहले मुनाफिकीन का जिक्र है, लेकिन मोमिनों का क्या मामला होता है कि जब कोई मुश्किल आती है तो क्या कहते हैं, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना वहुवा मौलाना, हुआ मौलाना, कहो कि हमारे साथ नहीं होता सिवाय वो जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किया, वही तो हमारा मौला है, वही तो हमारा मौला है। तो मेरे भाई मेरी बहने ये है मामला, कभी जिंदगी में आ जाए कुछ मामले मुश्किल परेशानी, ये अल्फाज हमारे जुबान से निकलना चाहिए कि लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमारे साथ नहीं होता सिवाय वो जो अल्लाह ने मुकर्रर किया, वही तो हमारा मौला है, वही तो हमारा मालिक है, हमारा मौला है। तो मेरे भाई और मेरी बहने ये हमें याद रखना चाहिए इस बात को, ये अल्फाज मोमिनों के अल्फाज को। और हो गया है एक घंटा पूरा, और मैंने सोचा है कि एक घंटे से ज्यादा ना बढ़ाऊं क्लास को, तो ऐसा करेंगे कि हम आज का पारा खत्म नहीं करेंगे, आयत नंबर 51 पे हम रोक रहे हैं, आयत नंबर 51 ऑफ सूरह तौबा पे हम आज रोक रहे हैं। अब हम 5 सवाल लेंगे इंशाल्लाह, और फिर 5 सवाल के बाद क्लास को खत्म करेंगे। किसी का कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। शकील भाई आप हैं जी इंशाल्लाह। जस्ट सभी से रिक्वेस्ट है कि मौजू से रिलेटेड अगर आपके सवाल है तो अपने हाथ उठाए, ये तो हाथ नीचे रख दे प्लीज। एंड करंट सिचुएशन जो चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, इंडिया की जो भी सिचुएशन चल रही है, उसके लिए कोई क्वेश्चन ना पूछे ना उसके लिए कोई कमेंट करे इंशाल्लाह। जजाकल्लाह खैर। सिस्टर शिरीन नास का हाथ ऊपर है, आपको अनम्यूट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शेख मेरा रमजान के ताल्लुक से है वितर की नमाज को लेके कि जो बहन क्या था ना कि हमारा टॉपिक सिर्फ ये जो एक पारे में जो पढ़ा गया है, अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो इसी पर फोकस करिए, ताकि पांच ही सवाल है, क्यों ना हम टॉपिक पे ही रखें। हाँ बाकी अलग से सवाल सिस्टर को ये बता देते कि खूबसूरत रमजान का संडे को सुबह में संडे सप्तमी को, तो आप आइए वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछे इंशाल्लाह। संडे कितने बजे से? 11 से 1 आप सबको दावत है। 11 से 1 दावत है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग मोस्ट वेलकम आइए, आपको लिंक भी इसका देते इंशाल्लाह। जैद भाई ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सूरह अनफाल आयत नंबर 46 के बारे में, तो ये आयत को कैसे कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझे? इज इट अलाउड फॉर अ मुस्लिम टू बी फ्रेंड्स विद नॉन मुस्लिम कुफार, व्हाट इट इज मीन बाय जिजिया? जी देखिए, क्या किसी मुस्लिम को अलाउड है कि फ्रेंड्स हो? तो मैंने सूरह मुमतहिना की आयत बताई, सूरह 60 आयत नंबर 8, कि जिसमें आता है अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता उन लोगों के ताल्लुक से जो तुमसे दीन के लिए लड़ते नहीं है, ना तुम्हें अपने घरों से बाहर करते हैं, अंतबर्रुहुम, कि उनके साथ बेर का मामला अच्छाई का मामला करो, और तुक्सितु इलैहिम, कि उनके साथ इंसाफ के साथ पेश आओ। तो अल्लाह ताला ने उनके ताल्लुक से नहीं मना किया, और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक भी सिखाया। हाँ तो ये चीज है। और यहाँ तक कि कोई गैर मुस्लिम रिश्तेदार हो, तो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा था, उनकी माँ गैर मुस्लिम थी, असली उम्मी, क्या मैं अपने माँ के साथ रिश्तेदारी रखूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना असली उम्मा की, हाँ तुम्हारी माँ के साथ रिश्तेदारी रखो, लेकिन क्या मना है? बहुत ही करीबी दोस्त मना है, कि बहुत ही करीबी औलिया बनाओ वो मना है, अज़दिका मना नहीं है, औलिया मना है। अज़दिका यानी दोस्त के लेवल, और लिया यानी बहुत ही करीबी दोस्त, वो मना है। लेकिन साथ साथ में यही बात है, मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात नहीं है, एक बात ये भी ध्यान रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मथलुल जलीस सौले वल जलीस सू का मथली सोहिबिल मिस्क वकीरिल हद्दाद, एक अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे इत्र बेचने वाला और लोहार की भट्टी। तो इत्र बेचने के वाले के पास से या तो खुशबू लेंगे या तो कोई इत्र को खरीदेगा,
और लोहार की भट्टी युहरिकु बदनक सौबक तजिदु मिनहु रीहन खबीसन, या तो जिस्म जलेगा या तो कपड़े जलेंगे या तो कम से कम बुरी हवा लेंगे। तो ये कंपनी का असर होता है। तो ऐसे लोग जो जिंदगी के मकसद को समझते हैं और जानते हैं, चाहे मुस्लिम हो, बाज लोगों का मुस्लिम नाम मिलेगा लेकिन बहुत ही बदतरीन कंपनी होती है, तो नाम की बात नहीं है यहाँ पे, बेत है कि भाई कोई ऐसा हो जिससे अच्छी चीज मिले, अच्छी सोहबत हो, जैसी संगत वैसी रंगत का कंपनी का असर पड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजुल अला दीनी खलीली, एक शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो उस एतबार से बहुत ही करीबी वो जो है ना दोस्ती नहीं मुनासिब है। ताल्लुकात के अंदर अच्छी बातें बोला जाए, कोई दीन की दावत दी जाए, कुछ हदिया दिया जाए, कभी कोई मुश्किल में हो उसे अच्छा मशवरा दिया जाए, कोई किसी की मदद की जाए, उसमें मना नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से नहीं मना किया, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो एक शख्स चाहता है ना, मैं किसी के साथ उठूं बैठूं थोड़ा दिल हल्का हो, तो उसके अंदर अच्छे ईमान वाले नेक सवाले लोग होते हैं, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो जाकर हमारा भी ईमान अच्छा होगा, वो इत्र बेचने वालों की कंपनी होगी इंशाल्लाह। जी सेकंड पार्ट था जिजिया के बारे में एक्सप्लेन करें। जिजिया का मैंने एक्सप्लेन किया है, ये वीडियो आप जाके थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, तो आयत नंबर जो आई थी जो जिजिया के ताल्लुक से आयत आई थी ना, तो उसमें हमने वो डिटेल देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरह तौबा में बीच में क्या बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं? देखिए अगर आप तिलावत शुरू कर रहे हो, कुरान आपने ओपन किए और आयत नंबर 51 पे आप हैं, अब आप कुरान की तिलावत शुरू करेंगे, कैसे करेंगे? औदु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और फिर पढ़ेंगे। हाँ तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। शेख बिन बास से सवाल पूछा गया था, वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसे कोई तिलावत बीच में से शुरू कर रहा है उसमें मना कोई कहे कि सूरह तौबा है ना इसमें बिस्मिल्लाह बीच में नहीं बोल सकते हैं, ऐसी इसकी कोई दलील नहीं है। तो ये पढ़ रहे हैं हम, अगर बीच में से कुरान शुरू होकर हमने स्टार्ट किया, पहली बार कुरान की तिलावत शुरू कर रहे हैं, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करेंगे, हाँ तो उसमें ये चीज है, उसमें मना नहीं है। वो जो शुरू में सुर बिस्मिल्लाह नहीं है, जब शुरुआत पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिखाया। जज़ाकअल्लाह। सूरह तौबा की आयत नंबर 3, हज अकबर का थोड़ा और वजाहत करें। हज जो है खुद ही हज अकबर है, हज का मतलब है पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिमेज जो होती है जिसके अंदर जो सफर पे जो अल्लाह की रजा के लिए जो करते हैं, तो हज असगर क्या है? उमरा है। हज अकबर क्या है? हज है, जिसे हम हज बोलते हैं वो हज अकबर है। तो हज अकबर हर हज अकबर होती है। हाँ तो इसके अंदर वैसा नहीं है जैसे बाज लोग समझते हो कहते हैं। जी जज़ाकअल्लाह। मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आपने कहा कि फरिश्ते मारेंगे, तो क्या इंतकाल के टाइम के बारे में बताएं? जी इंतकाल का टाइम जब होता है तो रूह किस तरह से कब्ज की जाती है, एक मोमिन की रूह इस तरह से जाती है जैसे एक पानी के मशकीजे में से एक बूंद पानी स्लिपों के नीचे आती है, फिसल जाती है। लेकिन जो गुनाह की जिंदगी और कुफ्र की जिंदगी गुजार कर, इनकार करके, हक बात का इनकार करके, वो लोग उस हाल में जिनकी मौत होती है, तो उनका मामला ऐसा होता है कि फरिश्ते उनकी जो रूह लेने भी आते हैं तो मारते हैं उनको चेहरे पे, पीठ पर, हाँ मारते हैं वो, और मार मार के उनकी रूह उस तरह से ले जाई जाती है। और अल्लाह के तआला ने कहा काश कि तुम देखते क्या मामला है। तो ये एक हकीकत है जो हम आंखों से नहीं देख सकते, खबर की बुनियाद पे हमें पता चला, वही के बेसिस पे खबर आई है, और हमें हमारा ईमान है ये होता है। और इसके अंदर ये चीज है, एक चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, एक आखिरी बुरा अंजाम है जिससे हम सबको बचना चाहिए। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे ठीक इसी वक्त इसी जगह जूम में रात 10:30 बजे इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।